हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज का मेरा जो वीडियो है ये बहुत ही अलग ही टाइप का है, क्योंकि आज का जो वीडियो है मैं कुछ ऐसा ट्रिक या ऐसा कुछ बताने नहीं वाला, ग्लिच आपको या अपडेट। ये जो वीडियो है ये एक ऐसा स्मॉल गाइड है। बेसिकली हम जब भी खेलते तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे घर होते हैं लेकिन हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, क्योंकि हम घर का कुछ भी नाम बोलते थे, कभी कलर से नाम बोल देते, कभी कोई और वे में नाम बोल देते। तो बहुत बार प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते और उस चक्कर में टीममेट्स को भी इफेक्ट पड़ता है और मर वर जाते हैं हम। तो गाइस, मेरा आज का वीडियो जो है वो क्या है, हम मैं आपको जो इरेंगल मैप में बहुत सारे जो हाउसेज होते हैं उनके एक्चुअल नेम बताने वाला हूँ बिल्डिंग्स के, तो आपको कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प हो जाएगा गेम खेलते खेलते। तो उस वजह से मैं आज अभी जा रहा हूँ हॉस्पिटल साइड, ठीक है। हॉस्पिटल मतलब जॉर्जो के हाउसेज साइड, जॉर्जो सिटी साइड जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हाउसेज हैं और अलग अलग टाइप्स के हैं, तो मेरे को ईजी पड़ेगा आपको हर एक हाउस का ये एकदम लुक बताने और उसका नाम क्या है वो बताने। तो अभी फटाफट मैं अभी कार पिकअप करके जा रहा हूँ जॉर्जो साइड, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि बिल्डिंग्स के नाम क्या है। मैं आपको ऐसे यहाँ पे लिख के भी बता दूंगा नीचे, तो आपको हेल्प हो जाएगी पढ़ने में, ठीक है। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये रहा फर्स्ट बिल्डिंग, इसको आप बोल सकते हो इरेंगल मैप में सिर्फ ये एक ही बिल्डिंग है और इसका नाम है हॉस्पिटल। तो गाइस वो हॉस्पिटल आप देखोगे तो पूरे इरेंगल मैप में, इनफैक्ट पूरे पबजी में सिर्फ एक ही बिल्डिंग है और इसका, इसलिए हम इसे प्रोनाउंस करेंगे और बोलेंगे हॉस्पिटल। तो अभी हम आगे जाते हैं और मैं आपको और भी अलग अलग टाइप्स की बिल्डिंग बता देता हूँ। गाइस मैं मोस्टली इसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स कवर करूँगा, पर ऑलमोस्ट सब नहीं कर पाऊँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब स्टार्ट नेक्स्ट देखते हैं। ये है थ्री स्टोरी बिल्डिंग, बार्न हाउस या फार्म हाउस, शैक या टूल शेड, शैक, लार्ज टू स्टोरी, मिनी बालकनीज, मिनी बालकनीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके आप साइड में देख सकते हो दो बालकनीज है दोनों फ्लोर पे, इसलिए उसको मिनी बालकनीज बोलते हैं। स्मॉल टू स्टोरी। तो गाइज अब आप सामने वो देख सकते हो एक शैक है, हम इसको भी शैक ही बोलते हैं लेकिन इसको बेसिकली बोलेंगे शिट शैक या स्मॉल शैक। स्मॉल रेक्टेंगल, गार्ड टावर। तो गाइज अब आते हैं एक बहुत ही फेमस हाउस में, फेमस बिल्डिंग में इरेंगल मैप में। तो बेसिकली इसका नाम है फ्यूज गराज या गराज हाउस, लेकिन इरेंगल में खेलते खेलते मैंने देखा है सब इसे स्क्वाड हाउस बोलते हैं, ये एक नया नाम मिला है इस घर को, इसका नाम है स्क्वाड हाउस। गराज या गैरेज, जो भी आप प्रोनाउंस करो। ग्रीन ग्रोसरी, बेसिकली इसका कलर ब्लू है लेकिन अगर आप देखोगे तो पबजी पीसी में इसका कलर ग्रीन ही होता है, इसलिए इसका नाम है ग्रीन ग्रोसरी। स्क्वायर हाउस, इसको स्क्वायर हाउस बोलते हैं क्योंकि ये आप देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर एक स्क्वायर के टाइप है, इसका बेस जो है वो, इसलिए स्क्वायर हाउस। तो गाइस इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी एकदम यूनिक है और नेम भी एकदम यूनिक है, इसका नाम है बेडुइन शॉप। तो गाइस अब आते हैं इस बिल्डिंग पे, इस बिल्डिंग का नाम है टू स्टोरी शॉप। अब इसका नाम टू स्टोरी शॉप क्यों है, क्योंकि आप अगर अंदर जाओगे तो आपको देखेंगे बहुत सारे ऐसे बिल्स रखे हुए रहेंगे या यहाँ पे कोई वॉल पे चिपकाए हुए रहेंगे, इसलिए इसका नाम है टू स्टोरी शॉप। पेट्रोल पंप, ये तो बहुत फेमस है, आप सबको पता ही होगा पेट्रोल पंप। फिर आप देखोगे तो ये लेफ्ट में जो है ये ब्रिज है, मतलब ये मैं बिल्डिंग में काउंट नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैंने इसको लिस्ट में नहीं डाला है। फिर आते गाइस ये बिल्डिंग पे, ये बहुत ही अलग टाइप का है क्योंकि पहले इसका नाम था विजार्ड टावर या मशरूम हाउस, लेकिन अभी पबजी मोबाइल में इसे सब इसको स्नाइपर टावर बोलते हैं, स्नाइपर टावर। फिर आते हैं इस बिल्डिंग पे गाइज, अगर आप देखोगे तो ये बिल्डिंग इरेंगल मैप में बहुत सारी है पर किसी को इसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता है, तो इसका नाम है मीनर या मीनोर, जैसे भी आप प्रोनाउंस करो।
अब आते हैं इस बिल्डिंग पे। अगर आपने देखा होगा ये बहुत सारे जगह पे स्कूल साइड पे है, जॉर्जो सिटी साइड में है, यासनाया में है। तो इस बिल्डिंग का नाम है अपार्टमेंट्स। बेसिकली इसको अपार्टमेंट्स ही बोलते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा है और 3 फ्लोर, ऑलमोस्ट 3 फ्लोर का है और सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग माना जाता है, तो इसका नाम है अपार्टमेंट्स। अब आते हैं इस हाउस पे। तो गाइस अगर आपने देखा होगा तो ये बहुत छोटा हो जाए और बहुत सारी जगह पे मिलता है, तो इसका नाम ऑलमोस्ट किसी को पता ही नहीं होता है। इसका नाम है एटिक हाउस या आई हाउस। इसको आई हाउस बोलते हैं क्योंकि आप देख सकते हो ऊपर एक सर्कल है जो एक आई की तरह है, इसलिए इसका नाम आई हाउस है या एटिक हाउस मेन नेम है उसका। तो गाइस ये वाला जो हाउस है ये बेसिकली लास्ट 2 स्टोरी जैसा है, पर इसमें 2 स्टोरी नहीं, एक ही फ्लोर है। इसका नाम है लार्ज रेक्टेंगल। वॉच टावर। वेयर हाउस। गाइस बेसिकली 2 टाइप के वेयर हाउस होते हैं, एक ये और एक वो जो छोटा वाला होता है, वो दोनों वेयर हाउस में ही काउंट होते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप वो छोटे वाले को गोडाउन बोल सकते हो। तो गाइस मैं जॉर्जो से जा ही रहा था तो मैंने सोचा आपको इसका भी बता दूँ। बेसिकली इसको क्रेट्स बोलते हैं, ये बिल्डिंग में काउंट नहीं होता है लेकिन ये एक एरिया है, तो मैंने सोचा इसका भी नाम डाल दूँ। तो ये है जॉर्जो क्रेट्स। बेसिकली जॉर्जो नहीं बोल सकते क्योंकि ये नोवो में भी है। तो ये है क्रेट्स। पार्किंग एरिया। बेसिकली इसमें आप देखोगे तो हर बार कोई ना कोई व्हीकल रहता ही है, इसलिए इसका नाम है पार्किंग एरिया। तो गाइस मैप में ऑलमोस्ट 3 या 4 टाइप के शैक्स है, तो ये आते हैं 3rd वाले शैक पे। इसका है नाम वुडन शैक। वुडन क्योंकि ये वुड का बना हुआ है इसलिए इसका नाम वुडन शैक है। तो गाइस ये टाइप के घर आपने बहुत जगह देखे होंगे। इसका नाम है प्लैंक हाउस। बेसिकली इसका नाम किसी को पता नहीं होगा तो मैंने सोचा बता दूं आपको, प्लैंक हाउस। तो गाइस मैंने ट्राई किया कि मैं हर टाइप के घर कवर कर पाऊँ, लेकिन आप देखोगे तो इरंगल में बहुत सारी बिल्डिंग्स है। अभी तो आप देखोगे तो जो हमारा ये मिलिट्री बेस है उसमें तो बहुत सारे टाइप के अलग ही बिल्डिंग्स है, ऑलमोस्ट सब यूनिक टाइप के बिल्डिंग्स है। तो अगर मैं वो सब बिल्डिंग्स को इसी में कवर करता तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता, इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो इधर ही एंड करते हैं। मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा आपको, सब एक्स्ट्रा जो बिल्डिंग्स बचे हुए उसका नाम बताने। आप देखोगे तो प्रिजन के साइड पे बिल्डिंग्स है, फिर मिलिट्री बेस में, यहाँ पे मैंशन में, बहुत सारे अलग अलग टाइप के बिल्डिंग्स है। तो इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कभी तो पार्ट 2 इसका, और आपको वो सब के नाम्स भी बताऊंगा। तो गाइस ये वीडियो के लिए इतना ही बस होगा क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने 25 से 30 के बीच में नाम बता दिया आपको। तो गाइस बस यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको थोड़ा हेल्प मिला होगा। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपको कुछ क्वेरी हो तो आपको मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।